वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फिर से नैनो के साथ आ चुके हैं हम रिटर्न, और बस अभी जा रहा हूँ डी मार्ट कुछ शॉपिंग करने के लिए घर के लिए। तो मैंने सोचा चलो यार, बहुत टाइम हो गया नैनो लेके निकला नहीं था, और बाकी बढ़िया है। बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है क्योंकि मुंह के अंदर छाले पड़ गए हैं, बोल ही नहीं सकता वो, तो ऐसा करके मेरे को बोलना पड़ता है। तो फाइनली वे डी मार्ट पहुँच गए हैं। डी मार्ट में लगता है तो ड्रॉप करूँगा, नहीं तो फिर नहीं करूँगा, डायरेक्ट निकल जाएंगे। देखो गाय माता बीच रोड पे है, ऐसा कुछ है यहाँ पे, थोड़ा संभाल के चलानी पड़ती है। नाग वाला ट्रैफिक है, अभी इतना ट्रैफिक तो मैंने देखा ही नहीं है कभी, पूरा पार्किंग पैक। और A few moments later, फाइनली शॉपिंग हो गई। इस बार टाइम लगा नहीं क्योंकि थोड़ा ही कुछ लेना था, लिस्ट बना के ही घर पे, मतलब घर से लिस्ट बना के ही लेके आया था। और ये हमारी नैनो सामान रख दिया है बैक सीट पे, और जो ऑयल का कैन है वो मैंने फ्रंट पे यहाँ पे रख दिया है, और अभी फ़िलहाल खाने के लिए ये मैंने ले लिया है। और वॉशिंग के जो आते हैं वो मेरे को डिटर्जेंट केक ही लेना था, बस इतना ही लेना था। बाकी ये रहा हमारा डी मार्ट, सबसे बड़ा यहाँ का, और कोई नहीं यार, अभी धूप में गाड़ी है, कोई नहीं, चलो निकलते हैं। चलो भाई, फाइनल हाईवे पे आ चुके हैं, और जो टायर का प्रॉब्लम था वो आलस में मैं सेट नहीं करवा था, बट वही टायर अभी प्रॉब्लम दे रहा है। चलो यहाँ पे टायर का काम खत्म हो गया, इसने कुछ टायर के अंदर लगाया ब्लैक कलर का, पता नहीं क्या लगाया है, और मैंने उसको पूछा भी नहीं, भूल गया, कोई नहीं। चलो पिछले जनवरी में मैंने एक ट्रिप की थी सौराष्ट्र वाली, और ये जनवरी आने वाला है उसको मैं मिस कर रहा हूँ, मतलब वो ट्रिप की यहाँ डांसू रही थी, बट वो टाइम पे ना थोड़ा डर डर के मैंने बाइक पे ट्रिप की थी, तो थोड़ा डर था,
बट अभी तो मैं कोई भी ट्रिप करने जाऊँ मेरे को कोई डर है नहीं, और अभी जनवरी आ रहा है इसलिए 1 साल होने वाला है, इसलिए मैं को वो ट्रिप याद आ गई। और आज मैंने मेरे ही वीडियो कुछ मेरे व्लॉग्स मैंने देखे थे टीवी पे, तो वो थोड़ा याद आ गया, इसलिए अभी मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि 1 साल होने वाला है। और ये नैनो की कंडीशन अभी देखो, तब ये टायर में एयर ही नहीं थी, फिर मैंने क्या किया एयर डलवाई, उसके बाद आज फिर से एयर निकल गई, तो फिर मैंने क्या किया चेंज करके ये वाला जो स्पेयर व्हील है वो मैंने लगाया था टेम्पररी, और उसके बाद मैंने 10 किलोमीटर गाड़ी चलाई। बट वो जो अपना स्पेयर व्हील है वो एक साइज बड़ी है, तो जो फेंडरिंग है उसमें लगती है, इसलिए फिर से मैंने वो टायर में पूरा टायर ओपन करवाया, उसके बाद मैंने फिट करवाया और फिर से यही टायर मैंने फिक्स करवा दिया है। तो ऐसा कुछ है टायर में प्रॉब्लम आज से नहीं, मतलब कब से आ रहा है, और चारों के चारों टायर मैंने रिम से निकलवाए और उसके बाद फिट करवाए, मतलब एक साथ में नहीं, जब भी कोई टायर में एयर निकलती थी तो मैं क्या करता था टायर ही निकलवा देता था, उसके बाद रिम को थोड़ा साफ़ करवाता था, उसके बाद फिर से टायर डलवाता था, फिर भी ये प्रॉब्लम आ रहा है। और अभी आएगा तो मैं अभी टायर के अंदर ट्यूब ही डाल दूंगा, रोज़ की मगजमारी है वो झंझट ही जाए, तो ऐसा कुछ प्लानिंग है। और गाड़ी में अभी कुछ नया करने वाले है, और क्या नया करना है, कहाँ पे क्या करना है, वो सब अभी सोचने के लिए स्पेशली यहाँ पे आया हूँ। तो ऐसा है कि फ्रंट साइड पे मेरे को क्या करना है वो अभी मेरे को सोचना है, और बैक वाली सीट पे क्या क्या हो सकता है, कितनी स्पेस यहाँ पे बचा सकता हूँ, वो सब अभी मेरे को ना पूरा ड्राइंग माइंड में सेटअप करना है। तो ऐसा कुछ है, और अभी ये घर पे जाके मैं स्पेयर व्हील आगे बोनेट में रखूँगा। ये वाली जो सीट है को ड्राइवर वाली सीट, ये पूरी ना निकल के उल्टी लगानी है, मतलब ये वाला जो पार्ट है वो मेरे को यहाँ पे लगाना है, सीट पूरी उल्टी हो जानी चाहिए। तो ऐसा कुछ मैं सोच रहा हूँ, बट अभी देखते होता है कि नहीं। देखो ये वाला ब्लॉग थोड़ा बोरिंग रहेगा, बट अभी थोड़ा ऐसे ब्लॉग भी कभी कभी आया करेंगे, और कुछ नया होने वाला है बहुत ही जल्द, आई थिंक वो 5-6 दिन में आपको पता चल जाएगा। बट उसके पहले आपको बढ़िया बढ़िया सिटी के ब्लॉग आने वाले हैं, क्योंकि अहमदाबाद में बड़े बड़े फेस्टिवल होने वाले हैं, वो आएंगे आई थिंक। चलो कोई नहीं,